हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वॉम वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द सक्सेस एजुकेटर। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे GOIT 965 कोड के लिए जो है आपका आने वाला एग्जामिनेशन है, फॉर्म जिसके अभी भरे जा रहे हैं। तो इस पोस्ट कोड के लिए जो है आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, खासकर जो है कंप्यूटर सेक्शन में, क्योंकि कंप्यूटर सेक्शन जो है आपका 140 मार्क्स का आएगा और बाकी 60 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड रहते हैं। तो 140 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे और 70 मार्क्स जो है डायरेक्टली यहाँ से पूछा जाएगा आपको 100 में से। तो ये पार्ट जो है आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए अगर आपको इस पोस्ट कोड में, इस वैकेंसी में जो है GOIT में अगर आपको सफलता पानी है। तो मैं आपको बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, ऑनलाइन सोर्स बताऊँगा दो तीन, और एक जो है आपको बुक बताऊँगा जहाँ से जो है आप लोगों ने तैयारी करनी है और जिसके बाहर आपने कुछ भी पढ़ना नहीं है। आप YouTube पे देखते हैं, सर्च करते हैं कि कैसे जो है तैयारी करें, लेकिन वहाँ पे आपको जो है मिसगाइड कर दिया जाता है या फिर आपको इतने सारे सोर्सेज बता दिए जाते हैं कि आप जो है कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं कौन सी बुक लूँ और कौन सी बुक ना लूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल जो है आपका कंसाइज वे में आपको बता रहा हूँ कि आपने क्या क्या करना है। आँखें बंद करके जो है इसको फॉलो करें, मैं गारंटी देता हूँ आपके जो है ये एग्ज़ामिनेशन क्रैक ज़रूर होगा अगर आप जो है होल हार्टेडली इसको फॉलो करेंगे जो मैं अभी बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बुक बता देता हूँ जो आपको बुक कवर करनी है। ये किताब गाइस बहुत ही अच्छी किताब है, परीक्षा मंथन की कंप्यूटर एक परिचय। ये किताब जो है आपको सिर्फ हिंदी में देखने को मिलेगी और इसका संस्करण जो है 2021 पिछले साल वाला आपको लेना है, इससे पहले वाला भी है वो नहीं लेना। बिल्कुल ऐसा कवर होगा, आपको नीचे जो है ग्रीन में दिख रहा होगा और ऊपर जो है लाइट पिंक में जो है इसका कवर होगा बुक का। यही बुक को जो है आपने परचेज करना है। विनय कुमार ओझा जो है इनके जो है ऑथर हैं, तो यहाँ पे आप नाम देख लीजिए। यही बुक आपको फॉलो करना है। इवन जो स्टूडेंट जो हैं इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि इस बुक को ही आप लोग परचेज करें। एक आपको अरिहंत बुक भी मिलेगी, लेकिन अरिहंत बुक में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है कंसाइज वे में बता दिया है और आज के समय में GOIT के एग्जामिनेशन में थोड़ा जो है डीपली थ्योरी भी डीपली पूछी जा रही है। तो इस पुस्तक में, इस किताब में जो है गाइस आपको काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। थ्योरी पार्ट जो होगा ना आपका, बेसिक जो आपका कंप्यूटर है उसका थ्योरी पार्ट जो है सारा का सारा इस वीडियो जो इस किताब है, इस किताब के थ्रू आपका ज़रूर कवर हो जाएगा। मैं बोलता हूँ कि 70-80 क्वेश्चन जो है डायरेक्टली इस बुक में से ही आपको पूछे जाएंगे। तो इतना बड़ा रोल जो है ये बुक प्ले करती है, मैंने खुद इसको यूज़ कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। मैं ऑथेंटिक सोर्स ही अपने वीडियो पे बताता हूँ। ठीक है, तो इसको आँख बंद करके ले लीजिए। कोई भी स्टूडेंट अगर कन्फ्यूज है, किसी ने ऑलरेडी बुक्स ले रखी हैं तो कोई बात नहीं, आप उनको ही फॉलो कर सकते हैं। लेकिन जिसने अभी तक बुक नहीं ली है और जो चाहता है कि मैं इस पेपर को जो है क्लियर करूं, तो मैं गाइस गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि इस बुक को आप ज़रूर परचेज करें, इवन फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पे जो है ब्रैकेट में इन्होंने इंग्लिश में भी दे रखी हैं टर्मिनोलॉजीज, जैसे कि कुछ जो चीज़ें रहती हैं वो आपको हिंदी में समझ नहीं आता, वो यहाँ पे इन्होंने कुछ हिंदी में लिखा है, बीच में जो है इंग्लिश में जो है बता रखा है, स्पेलिंग्स जो रहती हैं वो आपको इंग्लिश में भी मिल जाएंगी, तो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। तो इसको ज़रूर ख़रीद लें। पहली किताब तो ये है जिससे आपका बेसिक सारा कवर हो जाएगा। और अब मैं जो है आपको ऑनलाइन सोर्सेज जो है वो आपको बताता हूँ कि आपने जो रिमेनिंग पार्ट है, जैसे एक्सेल है, ऑफिस है, या फिर ये भी चीज़ें हैं जैसे HTML है और भी चीज़ें हैं जो प्रोग्रामिंग से रिलेटेड पूछी जाती हैं, वो आपने कहाँ से कवर करना है। तो चलिए वहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट जो सोर्स है गाइस, ये एक YouTube चैनल है ना, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूँ, मतलब प्रमोट कर रहा हूँ लेकिन अपने बलबूते पे ना, इन्होंने मुझे बोला है कि आप हमारा चैनल प्रमोट करें, क्योंकि अगर आप जाएंगे तो ये जो मैम है यहाँ पे एक फ़ीमेल टीचर हैं जो कि हरियाणा से हैं, हरियाणा का ये चैनल है, अगर आपको आप इनके चैनल के थ्रू जाएंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, लेकिन टॉपर्स प्राइम चैनल करके एक चैनल है, मुझे इनका कंटेंट जो है पर्सनली अच्छा लगा इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने खुद भी अपने समय में इसको यूज़ किया है और अच्छे अंक से जो है एग्ज़ामिनेशन को पास किया है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं सिर्फ GOA और क्लैरिकल की जो है क्लासेस लेता हूँ, क्योंकि मैं जो है खुद मैं इसमें जो है इन पेपरों को क्लियर करके रखा है, तो इसलिए जो है आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो NCERT कंप्यूटर साइंस करके इनकी एक प्लेलिस्ट होगी जिसमें आपको बेसिक, जिसको बेसिक भी नहीं मालूम है
जो नया नया है इस फील्ड में, कंप्यूटर की फील्ड में, जिसकी फील्ड जो थी पहले कुछ और थी, जिसने प्लस टू कर रखी है और जिसको कंप्यूटर का कोई नॉलेज नहीं है, तो वो जो है इस प्लेलिस्ट से स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, ये पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। मैं फिर बता रहा हूँ, ये कोई जो प्रमोशन नहीं है किसी का, बट ये सीरियसली मैं पर्सनली जो है आप लोगों को बता रहा हूँ, ये अच्छा है इनका कॉन्टेंट। NCERT कंप्यूटर साइंस का जो है प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जो कि फंडामेंटल आपके कवर कर देगा। जिसको ज़रा भी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर का, ठीक है, वो जो है इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। दूसरा जो प्लेलिस्ट होगा इनका वो है TGT PGT कंप्यूटर साइंस के लिए। अब ये जो होगा ये थोड़ा सा जो है हाई लेवल का होगा एज़ कम्पेयर टू जो NCERT की कंप्यूटर साइंस है। तो इन्होंने एक में तो आपकी जो NCERT की है कंप्यूटर साइंस किताब, 11 और 12वीं की किताब जो रहती है वो कंप्लीट करवाई है, और दूसरे में TGT और PGT जो पेपर रहते हैं, चाहे वो हरियाणा से हो, DSSSB का हो, KVS का हो, ठीक है, NVS का हो, तो ये जो है नेट का एग्ज़ाम हो, तो उसमें जो कंप्यूटर साइंस पूछा जाता है उसके लिए जो है इन्होंने तैयारी करवा रखी है। लेकिन कंप्यूटर जो है सभी के लिए इक्वल ही होता है। अगर GOA का पेपर देना है तो वहाँ पे भी कंप्यूटर कोई अलग थोड़ी ना होगा वहाँ पे। तो ये जो है मैंने इनकी चीज़ें खुद फॉलो करी हैं, इसमें से आपको थ्योरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, और प्लस जो है CSS और HTML के इनके वीडियोज़ इंटरनेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, इंटरनेट से रिलेटेड, या फिर आपने सी लैंग्वेज करना है, C++ करना है, विजुअल बेसिक करना है, ठीक है, कुछ भी करना है आपने, देखिए जो एडवांस टॉपिक्स हैं वो जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इवन इनकी जो थियोरेटिकल वीडियोस हैं वो ज़रूर देखना, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको, डीप नॉलेज यहाँ पे मिलेगी। ओके, सो इनको आप फॉलो कर सकते हैं। ये दूसरा सोर्स मैंने आपको बता दिया, दो सोर्स आप लिख लीजिए, ये दो सोर्स आपको कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको जो है एक ही जगह पे ये सब चीज़ें मिल जाएं, तो आप जो है मेरा GOAT का कोर्स भी खरीद सकते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगा ये, राइट। और इसमें अराउंड 50 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, तो ये जो है आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको वीडियोस की फॉर्म में जो है अगर आपको ये देखना है, अगर वो मैंने आपको जो पहली बुक बताई थी उसको वीडियोस की फॉर्म में अगर आपने देखना चाहते हो, तो मैंने ऑलरेडी इस पे कोर्स जो है डिज़ाइन कर रखा है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ जो मैंने ये सोर्स बताए हैं, ये दो सोर्स आप फॉलो कर लीजिए, और साथ में अगर आप परचेज करना चाहते हैं मेरा कोर्स तो कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है। इन दो सोर्सेज को भी आप फॉलो करेंगे तो काफ़ी अच्छे मार्क्स जो है आप गेन कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो आप जो है नंबर आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं जैसे मर्जी। लेकिन ये दो चीज़ें हैं, एक आपको मैंने बुक बताई है और दूसरा ये यूट्यूब चैनल बताया है, इसको ज़रूर आप फॉलो कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको आने वाले एग्जामिनेशंस में। और MS Excel जो है, MS Office और जो पावर पॉइंट है इससे रिलेटेड MCQ सेट भी जो है मेरे कोर्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो है इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचानी थी, और मैं बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स जो है आप लोगों को बता रहा हूं, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा, राइट। सो दिस वॉज द वीडियो गाइज, आपका कंप्यूटर सेक्शन जो है अच्छे से कवर होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।